जनपद पौड़ी के जिला मुख्यालय में एक बार फिर से कछुए के ढेर में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल ये मामला पौड़ी श्रीनगर रोड का है, जहां तिमली बैंड के समीप कूड़े के ढेर में फिर से अचानक आग लग गई। बता दें कि देखते ही देखते MIC रोड, छात्री धार और अपर चोपड़ा मोहल्ले तक बदबू और धुआं फैल गया। धुएं के दो का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जब आग की लपटें फैलने लगी तो स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। और इसी दौरान पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि गर्मी के कारण कूड़े में आग लग गई है और खड़ी पहाड़ी पर आग लगने से वो पूरी तरह से बुझ नहीं पा रही है। कई बार पानी डालने के बाद भी आग नीचे से खुद ही सुलग जाती है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। वर्तमान में नगरपालिका द्वारा जो अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है, वहाँ पे आग लगने की शिकायत हमें प्राप्त हुई है। और जब जब ऐसी शिकायतें आती हैं तो हमारे द्वारा फायर डिपार्टमेंट की मदद से और हमारा अपना जो पानी का टैंकर है उसके माध्यम से आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए हमने 4 लड़कों की अतिरिक्त टीम जो है वो भी गठित की है और इन लड़कों का काम केवल ऐसी शिकायत प्राप्त होते ही वो मौके पर जाकर के आग बुझाने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य कारण जो आग लगने का है वो आज के मौसम जो है वो उसमें मेन कारण है। और इसको बुझाने में जो समस्या है वो ये है कि इसमें नीचे आग लगी हुई है, जहाँ तक जाने का कोई भी साधन या कोई भी मार्ग वर्तमान में नहीं बनाया गया है। और ये फॉरेस्ट की जमीन है, नगर पालिका की अपनी संपत्ति नहीं है, जिस कारण ये बना पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। और नगर पालिका द्वारा इसके स्थायी समाधान के लिए जो जिला प्रशासन द्वारा हमें भूमि आवंटित की गई है उसमें SWM प्लांट लगाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया थी हमारे स्तर से, नगर पालिका स्तर से, जिला प्रशासन स्तर से कर ली गई है। और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो हमारा इसकी DPR और RFP है वो शासन में उपलब्ध करा दी गई है और शासन से भी ये आश्वासन दिया गया है कि इस पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही हमें शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी हम इसमें निविदा आमंत्रित कर जो हमारा कूड़ा है उस सारे कूड़े को हटाते हुए जो हमारा कूड़ा पड़ेगा वो हमें जो मांडा खाल में नहीं।